الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. पिछले दर्स में हम लोग यहाँ रुके हुए थे बुकैस के मौलका में, जो है كبكر المقانات البياض بصفرة غزاها نمير الماء غير محلل. यहाँ सब इन सारे अभियात में जो है वो उसकी जो महबूबा है उनैसा जो है उसकी तमाम उसकी खूबियों को गिना रहा है, यानी कि औरतों के अंदर जो अच्छी खूबियाँ होती हैं वो ये बताना चाहता है कि ये सारी खूबियाँ उसकी महबूबा के अंदर क्या है पाई जाती थी, और एक एक करके उन खूबियों को गिना रहा है. और आगे फिर पढ़ते हैं, आज तकरीबन इसी यही बातें आगे वाले अशार में भी हैं. कह रहा है तसुद्दु व तुब्दी अन असीलिन व तत्तकी बेनाज़िरतिम मिन वहशी वज्रत मुतफिली. इसके बाद फिर आगे कह रहा है वजीदिन कजीदिर रीमी लैस बिफाहिशिन इदा हिया नस्सतहु वला बिमुअत्तली. पहले आते हैं, दो लाइनों को करते हैं, अल्फाज माने पर एक नज़र डालते हैं. सद्द यसुद्दो इसके माने होते हैं एराज़ करना. सद्द यसुद्दो एराज़ करना, रोगर्दानी करना, एराज़ करना, ये इसका माना होता है. बाबे नसरा से आता है. इसके बाद है तुब्दी अब्दा युब्दी इब्दा अन, बाबे फाल से आता है ये. इसका माना है जाहिर करना, और इसे सरफी तालील हुई है. असल में है ये तो अब दियो तो यहाँ पर क्या हुआ, फिर वही तालील हुई है कि इसकी जब वाले फैले मुजारी की पूरी करदान करते हैं तो वाहिद मुतकल्लिम में जा करके दो हमज़ा इकट्ठा हो जाते हैं. जैसे अगर इसके हम फ़ेले मुज़ारे की गर्दान करेंगे तो वाहिद मुतकल्लिम पर पहुँचेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ अब दी यो, ओ अब दी यो. वहाँ पर दो हमज़ा इकट्ठा हो जाते हैं, इसलिए क्या किया गया, वहाँ पर एक हमज़ा को गिरा दिया गया है. और वहाँ से जब वाहिद मुतकल्लिम से एक हमज़ा गिरा तो फिर फ़ेले मुज़ारे के सारे सेकों को गिरा दिया, ताकि सारे क्या है एक ही वज़न एक ही जैसे रहें, सारे क्या है उसके सेके एक जैसे रहें. और फिर इसके बाद इससे जो कलमे दूसरे मुश्तक होंगे उनसे भी हमज़ा गिर गया. जैसे सिंफाइल है तो जैसे अक्रमा है, युक्रेमो है, युक्रेमो की करदान करेंगे तो ओ अक्रेमो आएगा. ओ अक्रेमो में दो हमज़ा इकट्ठा हुए, एक हमज़ा गिर गया तो उक्रेमो हो गया. तो अब सारे में क्या है हमज़ा गिर करके आएगा, तो यो अक्रेमो की बजाय अब युक्रेमो की करदान करेंगे, युक्रेमो युक्रेमा ने. अगर इससे कुछ और बनाएंगे, इसमें फाइल बनाएंगे, वहाँ से भी गिर जाएगा, मुक्रेमुन आएगा, मो अक्रेमुन नहीं आएगा. तो ये हुआ है तो अब दी यो, या आखिर में क्या है साकिन हो गई है सरफी कादे के अतबार से, उसमें नहीं जाएंगे ज़्यादा. आखिर में क्या है या पर जम्मा थकील था और इसलिए उसको साकिन कर दिया गया, और यहाँ पर क्या है एक हमज़ा गिरा दिया गया है. तो अब दे यो असल में था, तो या साकिन किया गया और हमज़ा गिराया गया है तो हो गया. तो तुब्दी माने जाहिर करना. उसके बाद है अन असीलिन, अन असीलिन अब्दा अन, मतलब कि अन बोया कि अब्दा का सिला जो आता है उसका सिला अन आता है, यानी कि जिस चीज़ को जाहिर किया जाता है उस पर अन दाखिल किया जाता है, तो ये अब्दा युब्दी अन आएगा. इसके बाद यहाँ पर है असील, असील माने होता है नर्म, नर्म नाजुक, नर्म होना. असूला बाबी करोमा से आता है, और तो असील उसी से है, सिफत का सेगा है, जिसके हो जाएगा नर्म. अगर फेल का माना करेंगे तो नर्म होना, असूला या असोलो करोमा या करोमो, यानी कि नर्म होना, उसी से सिफत का सेगा है. असील यानी कि नर्म, नर्म और नाजुक. और यहाँ पर ये इसका एक इसका मौसूफ़ यहाँ पर एक कलमा महजूफ है, वो ध्यान में रहना चाहिए. यहाँ पर है अन खद्दिन असीलिन, खद्दिन असीलिन, खद्दिन माने होता है रुखसार, तो यहाँ पर महजूफ है. आयत इसलिए बारत हो जाएगी तसुद्दु व तुब्दी अन खद्दिन असीलिन, तो इस तरह से माना हो जाएगा व तत्तकी. और इसके बाद तत्तकी है यहाँ पर इत्तका यत्तकी, इसके माने होते हैं बचना. यहाँ भी सरफी तालील हुई है,
असल में है इसका जो असल आता है वाव काफ ये, तो यहाँ पर क्या लिखा है यू तका, यू तकाया था, यू तकाया यऊ तकी हो, इफ्ताला यफ्तालो के वजन पर यहाँ भी सरफी कायदा हुआ है वाव को, जो कि वाव है यऊ तका में जो वाव है जो कि फा कलमा है उसको ता से बदल के ता इफ्तियाल में इदगाम कर दिया गया है तो इत्तका हो गया है, इत्तका यत्तकी। तालीलात की बहस में सरफ में तीसरी जमात की जो है उसमें मौजूद है यह बात। तो तत्तकी ये भी मुअल्लल कलिमा है, बाब इफ्तियाल से है, इसके माना होते हैं बचना, इत्तका यत्तकी माने बचना। आदमी अपने और किसी चीज़ के बीच में कोई चीज़ हाजिस कर लगा दे, कोई रुकावट लगा कर किसी चीज़ से बच जाए, जैसे कि ढाल होता है या और कोई चीज़, तो यही बचना होता है। वत्तकी बिनाज़िरतिन, नाज़िरतुन के माने निगाह या आँख, इसका माना है नाज़िरतुन लफ्ज़ी माना हो गया, देखने वाला, देखने वाली यानी कि से मुराद है आँख, बिनाज़िरतिन या चश्म या निगाह। मिन वहशी वज्रता, वहशुन माने जंगली जानवर जो होता है उसको वहश कहते हैं, लेकिन यहाँ पर वहश से मुराद जो शायर ले रहा है वो माना है जंगली हिरन, जंगली हिरन मुराद ले रहा है वहश। और वज्रा जो है एक जगह का नाम है, वज्रा एक जगह का नाम है, और ये गैर मुनसरिफ है क्योंकि तानीस इसमें है और अलम भी है, तो ये गैर मुनसरिफ है, इसीलिए वहशी वज्रता आया हुआ, क्योंकि वहश मुजाफ है और वज्रा क्या है मुजाफिल है, इसलिए क्या है इस पर गैर मुनसरिफ है, इसलिए गैर मुनसरिफ पर कसरा क्या है फतह की सूरत में आता है, वह वाज़ है। इसके बाद है मुतफिल, तिफलुन से है, यानी कहेंगे मुतफिल यानी कि वज्रता इसलिए है क्योंकि ये गैर मुनसरिफ है। तो इसमें दो सबक कौन से पाए जाते हैं, एक तो ये क्या है तानीस है, तानीस लफ्ज़ी भी है, लफ्ज़ी एतबार से भी तानीस इसमें ता लगी हुई है, और जगह का नाम है, मानवी एतबार से भी तानीस है ये, तो ये तानीस है एक सबब, और दूसरा सबब क्या है ये अलम है, यानी कि किसी ख़ास जगह का नाम है ये, ठीक है। तो अलम और तानीस इसमें दो सबब हैं, इसलिए गैर मुनसरिफ है, और ये मुजाफिल वाक़ हो रहा है इस जुमले में, ये मुजाफिल वाक़ है, वहश मुजाफ है और वज्रता मुजाफिल है, लेकिन गैर मुनसरिफ होने की वजह से इस पर जो है फतहा नहीं आएगा हालत जर में, ये हालत जर में क्या है कसरा नहीं आएगा बल्कि फतह आएगा, जैसे कि गैर मुनसरिफ का आप पता है। उसके बाद मुतफिली, मुतफिल कहते हैं तिफलुन से है, यानी कि बच्चे वाली, यानी कि जो बच्चे वाली होती है ना, वो कोई जैसे कोई औरत होती है बच्चे वाली होती है, यहाँ भी वही वही है कि मुतफिलतुन क्यों नहीं लाया गया, तो बच्चे वाली कौन होती है, औरत ही होती है, तो उसलिए जो है यहाँ ता लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका माना वाज़े है, जैसे हामिल है, हाइज है, जी वाज़े है। मुतफिल माने तिफल वाली, बच्चे वाली, जमा मताफिल आ जाएगी इसकी जो मताफिलो। इसके बाद आगे वाला एक आगे वाली जो लाइन है उसमें इशारा करा है वजीदिन कजीद रीम लैसा बिफाहिशिन, जीदुन के माने होता है गर्दन, जीदुन गर्दन को कहते हैं, जमा अजियादुन वजयूदुन वजीदिन कजीद रीम, रीम जी फी जी दिया हबल में मसद, वही चीज़ है यानी कि गर्दन का माना वहाँ भी है। इसके बाद है आगे रीम, रीम जो है ये असल, ये इसमें मतलब जो है असल, ये असल असल के तबार से रीमुन, रीमुन है ये, यानी कि या इसमें जो या दिख रही है रा के बाद, ये असल में हमज़ा है, तो हमज़ा कसरा के बाद है तो ये रीम, रीम हो गया है तालील होने के बाद, ये सूरत है री, रीमुन, वरना असल में री। और रीम कहते हैं किसको, इसे पहले भी आ गया है, इससे पहले आया हुआ है, पहले लाइनों में पहले रीम आया हुआ ना, तराबा तराबा अरल आराम फी अरसातिहा वकियानिहा कअन्नहु हब्बु फिल फुलिया, ऐसे कुछ शेर है इधर है जी, कअन्नहु हब्बु फिल तराबा अरल आराम आया हुआ है, सबसे शुरू में आया हुआ सबसे पहले। तो रीम कहते हैं कि सफ़ेद रंग का जो हिरन होता है, सफ़ेद रंग का यानी कि खालिस सफ़ेद रंग का हिरन,
कोई हिरन हो जिसका रंग जो सफ़ेद रंग का हो और जो खालिस सफ़ेद हो उसको रीम कहा जाता है। और मैंने वहाँ बताया था कि रीम वगैरह ये ऐसे अल्फाज है जो लड़कियों के नाम रखे जाते हैं, इससे अरबों के यहाँ रीम नाम रखते हैं, तो यही माना है। तो रीमुन इसकी जमा आती है आराम, दो तरह से आती है, एक आएगी रीमुन अर आमुन या आरामुन, दो तरह से आती है दोनों तरह, इसमें कल्ब हुआ है उसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन इसकी जमा दोनों तरह से आती है, आराम और अर आम दोनों में आती है। लैसा बिफाहिशिन, फाहिश के माना होता है जो असल माना होता है कि यानी कि जो हर वो चीज़ जो अपने मतलब कि अच्छाई की हद को तजावज़ कर जाए, यानी कि कोई भी चीज़ जो होती है ना तो उसके एक हद होती है कि ये चीज़ इतने इतने हद तक क्या है ये अच्छी लगेगी, जब वो ज़्यादा हो जाए उससे तो समझो कि वो फाहिश हो गया। जैसे औरत की जो गर्दन है, अब वो गर्दन क्या है, कितनी लंबी होनी चाहिए, कुछ थोड़ी मोड़ी लंबी होनी चाहिए, अब वो ज़्यादा लंबी ऊँट कितनी हो गई, लंबी हो गई तो वो फाहिश हो गई, क्योंकि उसकी जो खूबसूरती वाली जो हद है उसको ये पार कर गई है गर्दन, तो ये गर्दन क्या हो जाएगी, इसको हम फाहिश कहेंगे। तो हर वो चीज़ जो कि खूबी के जो मिकयास हैं, खूबी का जो एक मेयार है उसको अगर पार कर जाए कोई चीज़ या अच्छाई के मेयार को उससे तजावज़ कर जाए तो वो फाहिश कहेंगे, ये इसका असली माना होता है फाहिश। और इसी माना में यहाँ पर गर्दन के ताल्लुक से अभी आया हुआ, अभी आगे आएगा। इदा हिया नस्सतु, नस्सा मैंने यहाँ पर है उठाना बुलंद करना, वला बिमुअत्तली और ना ही क्या है, मुअत्तल माने खाली, कोई चीज़ खाली हो किसी चीज़ से तो वो मुराद होता है। यहाँ मुअत्तल से माना है मुअत्तलिन यानी अनिल हुली, यानी कि ज़ेवरात से खाली, तो अभी माना आएगा तो अब उस पर आएंगे तो थोड़ा फिर और वाज़ेह होगा जो है, अभी सिर्फ हमने इसके अल्फाज माने को देखे थे। यहाँ फिर जो है अपनी महबूबा के बारे में कुछ सिफात बयान कर रहा है, कह रहा है तसुद्दु, ये जो मुनैज़ा है जो महबूबा है ये क्या है, एराज करती है, वतुब्दी अन खद्दिन असीरिन, और जब ये एराज करती है अपना चेहरा उधर घुमाती है तो इसका क्या है, नर्म व नाजुक रुखसार क्या है दिखता है, यानी कि एराज करती है और जाहिर करती है नर्म और नाजुक रुखसार को। जब अगर आदमी कहीं किसी के बैठा है अपना चेहरा उधर घुमा लेगा तो उसका रुखसार क्या है दिखेगा, तो वही है इसे तसुद्दु एराज करती है, वतुब्दी अन असीरिन ऐ अन खद्दिन असीरिन, और ये जाहिर करती है नर्म और नाजुक रुखसार को, यानी कि बयान कर रहा है कि जब एराज करती है उसका नर्म नाजुक रुखसार क्या है दिखता है, तो यहाँ पर इसके रुखसार की तारीफ़ कर रहा है। और फिर कह रहा है कि वतत्तकी, और ये बचती है, अगर इसके पीछे कोई पड़ता है, मतलब इसके पीछे कोई पड़ता है या इसको इस पर निगाहें कोई मतलब जमाता है या इसको छेड़छाड़ करता है तो कैसे बचती है ये, यानी कि एक चाकू चलाती है, बंदूक चलाती है, नहीं नज़र अपनी नज़रों से के वार से बचती है। अभी कैसे माना आएगा, यहाँ पे आएगा वतत्तकी बिनाज़िरतिन मिन वहश वज्रत मुतफिली, वहशुन क्या है ये, इसमें जीन्स है सबके लिए आता है, वाहिद तस्ने जमा सबके लिए, और इसके बाद कि वहश वज्रत मकाम वज्रा के जंगली हिरन, मकाम वज्रा, वज्रा को ख़ास इसलिए क्या है कि वज्रा के अंदर जो हिरन होते हैं बहुत खूबसूरत होते थे, इसलिए वज्रा के हिरन को कहा, और मकाम वज्रा के जंगली हिरन की निगाह के मानिंद निगाह से बचती है। और तो इस तरह अगर मुतफिल का भी इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा वज्रा के, मकाम वज्रा के बच्चे वाली जंगली हिरन की निगाह जैसी निगाह के ज़रिए यह बचती है, यानी कि इसकी जो निगाह है, इसकी जो आँख है, ये क्या है, वज्रा के मकाम वज्रा के अंदर रहने वाले जो वो जंगली हिरन है उनके आँखों जैसी है इसकी आँख। और अगर देखोगे कहीं पर या उस पर नेट पे देखो जो ज़बियुन है, यानी कि ज़बियुन जिसकी जमा ज़ेबाउन आती है, या जी ज़ेबा जो है, अगर उसकी तस्वीर देखोगे तो उसकी आँख बहुत ही खूबसूरत है जो उस जानवर की, तो मतलब औरतों की आँख को उसी की आँखों से खूबसूरती दी जाती है, बहुत खूबसूरत लगती है हिरन की आँख, बड़ी सी होती है और काफ़ी अगर उसको देखो फोर्स में जो है तो बहुत, तो औरतों की आँख को उसी हिरन की आँख से तस्वीर दी जाती है।
और हिरण भी कौन सी, वो हिरण जो कि सबसे ज्यादा खूबसूरत है, मकाम वज्रा के अंदर रहने वाली जो हिरण है, वो हिरण सबसे ज्यादा खूबसूरत उसकी आंखें होती है। और वो हिरण जो है यानी कि जो मुन्नस हिरण है वो उस, अगर वो बच्चे वाली साथ में हो तो फिर कैसी है उसकी खूबसूरती, उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर एक हिरण क्या है, कोई हिरण है और वो बच्चे वाली है तो कैसे देखेगी, मतलब जब वो हिरण जो बच्चे वाली जो हिरण है वो जब अपने उस, एक तो ऑटोमेटिक क्या है वो एक ऐसी जगह में रह रही है जो खूबसूरती वाली जगह है, दूसरे की उसकी आँख बहुत खूबसूरत है ऑलरेडी, हिरण है, हिरण की आँख खूबसूरत है, फिर जगह के अतबार से उस एतबार से भी खूबसूरती है, और फिर क्या है वो अगर अपने बच्चे को देख रही है ना, तो किस मोहब्बत से, किस शफ़क़त से और किस अंदाज से देखेगी, तो यहाँ एक और खूबसूरती आया नज़र आ जाएगी उसमें, जो है उसकी आँखों में एक और खूबसूरती, कई एतबार से उसकी आँखों में खूबसूरती आ जाएगी। तो ये जो हिरण की जो ये सारी चीज़ें उसने गिनाई है ना, कि मतलब हर दर्जा जो हिरण की जो आंखें हैं जो कि हद दर्जा खूबसूरत हैं, उन्हीं के जैसे आंख के ज़रिए से ये महबूबा बचती है। कैसे बचती है, कोई अगर इसको छेड़ा है, इसके पीछे हुआ या कुछ भी अगर इसको कहा, तो बस ऐसे बस थोड़ा ऐसे मस्त अंदाज में ऐसे ऐसे थोड़ा देख, बस देख ली, बस सारे गिर जाते हैं गड़ाम से। हैं, समझ में आई बात, जो बस यही माना कहना चाह रहा है कि वो बचती कैसे है, यानी कि अपने निगाहों से वार करती है, कोई बनना वैसा वार ना कोई बंदूक कर पाएगी ना कोई तलवार कर पाएगी, बस कोई उसका पीछा करे तो देख लेगी, बस सब ग्राम से गिर के मर खत्म। तो यही कहना चाह रहा है कि वतत्तकी, और ये महबूबा बचती है बेनाज़िरतिन, एक ऐसी निगाह के ज़रिए से जो कि कनाज़िरतिन मिन वहश, अगर बीच में महसूब मानो तो और वाज़ेह हो जाएगा, वतत्तकी बेनाज़िरतिन कनाज़िरतिन मिन वहश वज्रत मुतफिली, और ये महबूबा बचती है मकाम वज्रा के बच्चे वाली हिरन की निगाह जैसी, अपनी निगाह से या उसकी आंखों जैसी अपनी आंखों से, और कैसे बचती है वो अभी मैंने बताया। उसके बाद फिर आगे कह रहा है कि वजीद इन कजीद री में लई सभी फैशन, यहाँ जब हिरन से पहले लाइन में जब हिरन से तशबीह दिया तो वहाँ थोड़ी सी मतलब कोई गलत माना समझ सकता था कोई, कि हिरन की गर्दन तो बड़ी लंबी होती है, तो हिरन की गर्दन लंबी होती है और हिरन के गर्दन में क्या है जेवर नहीं होता है, तो इससे महबूबा के अंदर थोड़ी सी मतलब क्या है कमी का कोई तस्वूर कर सकता था, तो उसी को दूर करने के लिए आगे वाली लाइन में कह रहा है कि वजीदिन, आए यहाँ पर जो जीदिन है, जीदिन का अर्थ किस पर हुआ है, जीदिन का अर्थ यहाँ है तुबदी जो है असीलिन, असील जो है तुबदी अन असीलिन वजीदिन, तो जीदिन का अर्थ असीलिन पर है, खद्दिन असील यहाँ पर है, इसीलिए यहाँ जीदिन क्या है मजरूर आया हुआ है, वजीदिन यानी माना क्या हो जाएगा, व तुबदी अन जीदिन, और जाहिर करती है एक ऐसे गर्दन को, जब ये रास करती है जाहिर करती है एक ऐसे गर्दन को जो गर्दन क्या है हिरन की गर्दन के मानिंद है, सफेद रंग की हिरन जो, और जो गर्दन क्या है कभी नहीं है, यानी कि हिरन की गर्दन के जैसे नहीं है, यानी कि हिरन की गर्दन बहुत लंबी होती है तो ये महबूबा की गर्दन बहुत लंबी नहीं है, तो यही माना है कभी का, यानी कि जो गर्दन बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, तो यही माना गया कि लैसा विफाहिशिन, जीत इसकी पहली सिफत है कजीदिर्री में, ऐका इन कजीदिर्री में, और इसी जीत की दूसरी सिफत है लैसा विफाहिशिन, ये क्या है कभी नहीं दिखती है, ये महबूबा की गर्दन बुरी नहीं दिखती है, यानी कि ये हद से ज़्यादा तजावज़ की हुई गर्दन नहीं दिखती है बल्कि अपने दायरे में दिखती है, लई सब फाहिश यानी कि बुरी नहीं है कभी नहीं है, क्या यही जीद यानी कि महबूबा की गर्दन, इधर ही नस्त हु, जब ये महबूबा उस गर्दन को उठाती है यानी कि नस्त हु की जमीन जा रही है यहाँ पर जीद की तरफ, और इज़ा ही नस्त हु, इज़ा क्या है ये ज़र्फ, इज़ा मुज़ाफ है सबसे पहले, उसके बाद इसके बाद एक जुमला है, और उसके बाद मैंने बताया था कि इज़ा इसके बाद फ़ेल आएगा ज़रूरी है, तो यहाँ पर फ़ेल एक आएगा और ये क्या है या उसका फ़ाइल हो जाएगा, तो और उसके बाद ये दूसरा जुमला उसका मुफस्सिर हो जाएगा, तो इज़ा के बाद एक फ़ेल यहाँ महज़ूफ मानना पड़ेगा, और इस तरह से एक जुमला यहाँ पर हो जाएगा मुफस्सरा और एक जुमला जो मौजूद है मुफस्सिरा, दोनों ये क्या हो जाएंगे इज़ा के मुज़ाफ़िले हो जाएंगे, और ये मुज़ाफ मुज़ाफ़िले ये ज़र्फ हो जाएगा फ़ाहिश का, तो लैसा बिफाहिशिन इज़ा हिया नस्त हु, तो इस महबूबा का जो गर्दन, इसका जो गर्दन, इसकी जो गर्दन है वो हद मतलब कभी ही नहीं है जब क्या है ये गर्दन को उठाती है, वला बिमुअत्तली और ना ही क्या है ये गर्दन जेवरात से खाली है, यानी कि हिरन के गर्दन में जेवर नहीं होता लेकिन इसके गर्दन में जेवर है, तो जो चीज़
बतौर खास बयान करना था अलग से, उसको यहाँ अलग से बयान कर रहा है। तो वला वला बेमुअत्तली, तो ये जो वाव हर्फ अत्फ है और ला बेमुअत्तली, ये मातूफ है इसी फाहिश पर, लैसा बिफाहिशिन इदा हिया नस्सतु, तो ये हो गया फाहिशिन, फाहिश मुतालिक है इदा हिया नस्सतु, ये ज़र्फ है, तो फाहिशिन इदा हिया नस्सतु और वला बेमुअत्तली, और ना ही क्या है, तो ये वला वाव हर्फ अत्फ है और ला बेमुअत्तली इसी फाहिश पर है, और ला यहाँ पर क्या है, ये ला ज़ायदा है, ठीक है ना, ये ला यहाँ पर ज़ायदा है, नफ़ के लिए आया हुआ है। तो असल में लैसा बिफाहिशिन इदा हिया नस्सतु व बेमुअत्तली, और यहाँ पर अगर बा भी ना लाते तो सही हो जाता, लेकिन ये क्या है, ज़ायद दोनों को लाया गया है ताकीद पैदा करने के लिए। तो इस तरह से हो जाएगा वजी, तो यह गोया कि पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या है, ये मौसूफ मौसूफ सिफत हो जाएगा। यहाँ जीदिन क्या है, एक कलमा है जो कि मौसूफ है, और इसके बाद है का इन कजीदर्री में, यह सिफत अव्वल है जीद की, लैसा बिफाहिशिन इदा हिया नस्सतु वला बेमुअत्तली, और ये क्या है, दूसरी सिफत है जो कि जुमले की शक्ल में है, लैसा इसके अंदर हुआ की ज़मीर है जो कि जीत की तरफ लौट रही है, बेफाहिशिन उसकी खबर है, और बा जो दाखिल है फाहिश पर, ये बा क्या है, ज़ायदा है। उसके बाद क्या है, इदा हिया नस्सतु, ये क्या है, मैंने बताया ये ज़र्फ़ है जो कि फाहिश से मुतालिक है, वाव हर्फ़ अत्फ़ है, ला यहाँ पर ज़ायद है और बा भी दोनों ज़ायद है, और ये मुअत्तल क्या है, मातूफ है इसी फाहिश पर। तो इस तरह से हो जाएगा, तो कह रहे हैं कि फिर से एक बार इसका मफहूम, व तुब दी अंजीरिन, मैंने कहा कि खद्दीन असीलिन पर यह मातूफ है, तो और ज़ाहिर करती है एक ऐसे गर्दन को जो कि हिरन के गर्दन के मानंद है, और जो गर्दन कभी ही नहीं है या बुरी नहीं दिखती है जब ये महबूबा उस गर्दन को उठाती है, वला बेमुअत्तली, और ना ही ये गर्दन क्या है, ज़ेवरात से खाली है। तो जो गर्दन कभी ही नहीं है जब ये उसको उठाती है, और ना ही ये गर्दन ज़ेवरात से खाली है जी।